ओके तो यार गाइस यहाँ पर आज हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है लॉस सैंटोस में। अरे शुक्र है फ्रैंकलिन भैया, लॉस सैंटोस को भी कभी आपकी जरूरत पड़ती है यार। मुझे तो लगा था यार हमें लॉस सैंटोस में कोई नहीं जानता पहचानता। कलुए भाई साहब मुझे एक बात तो बता। हाँ भाई साहब बता, क्या बोलते बताऊँ मैं? सूरज बड़ा है या चांद? एक सेकंड, क्या पूछा? सूरज बड़ा है या चांद बड़ा होता है? अबे एक सेकंड भाई, मेरे हिसाब से सूरज बड़ा होता है। अरे फ्रैंकलिन भैया देख लो, एक बार सोच कर आंसर दिया करो। हाँ भाई, पर तू ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? भाई साहब तेरी नॉलेज टेस्ट कर रहा था मैं कल, इसीलिए पूछा। ऐसे सवाल तेरे को भाई साहब मैं पूछता ही रहता हूँ, तेरे को पता ही है। मैं यार बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछता है। भाई ये अजीबो गरीब सवाल थोड़ी था भाई, इसको से तो पता लग, ये सवाल से तो पता लगेगा कि भाई साहब तू कितने पानी में है। अबे पर मैं तो जमीन में हूँ। अबे भाई साहब कहावत है बे, पकौड़े के शक्ल के। अबे यार गाइस इसने मेरे को पकोड़े की शक्ल का कहा बे। अरे अभी आपके पीठ पीछे आपको क्या क्या बोलता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं फ्रैंकलिन भी, आप तो कूद कर मर जाते अगर आप वो बात सुन लेते जो चोप ने मेरे को पीठ पीछे बताई थी। क्या बताया था? अरे चोप बता यार, क्या मैं फ्रैंकलिन भैया को बता दूं कि तूने एक दिन फ्रैंकलिन भैया को केले का छिलका बोला था? बे भाई साहब मत तो बता बे, ये भाई साहब गुस्सा हो जाएगा मेरे से। अबे मुझे सुन गया, तूने मुझे सेब का छिलका बोला? ओ भाई साहब शुक्र है केले का नहीं सुना। क्या? ओ कुछ नहीं कलुए। अबे भाई साहब गाइस आप बताओ भाई साहब चांद बड़ा या सूरज? यार गाइस सूरज है ना भाई, सूरज वाले जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं भाई साहब यहाँ पर किसको कितनी नॉलेज है। देखो भाई कोई भी इंटरनेट पे सर्च नहीं करेगा, सबसे पहले यहाँ पर कमेंट में बताएगा, उसके बाद देखते रहना यहाँ पर इंटरनेट पे, देखते हैं भाई यहाँ पर किसका आंसर सही रहता है, किसको कितना ज्यादा किस पे दिमाग है। अरे आप पे तो नहीं है यार। अबे तो चुप कर जा भाई साहब, बकवास मत कर। अबे कलुए हमको तो कहीं पे जाना था। हाँ यार गाइस हमको जाना है पुलिस स्टेशन। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरी यार, अरे प्लीज यार मेरी यार शिकायत मत करना यार पुलिस में जाकर। सच में यार मैंने कुछ नहीं किया, बस 10 बंदों को मारा है, मतलब खुद नहीं मारा यार, आपको मारते हुए देखा है, मैं तो निर्दोष हूँ। ओ भाई साहब अपने तो वकील है भाई साहब, अपने को फिकर नहीं है। अबे किसी की शिकायत नहीं लगा रहा भाई मैं यार, हमें गाइस काम है भाई पुलिस स्टेशन पे। गाइस यहाँ पर ऐसी बकवास कर रहे हैं। अबे हाँ भाई साहब काम था, चल भाई शिनचैन बैठ। ऐसे गाइस यहाँ पर ये बोले जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमें लॉस सैंटोस की पुलिस ने यहाँ पर कॉल कर बुलाया है। अरे पर क्यों बुलाया है बस मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि गाइस यहाँ पर ऑब्वियसली भाई उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। मैं सोचना चाहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर शेरों के झुंड को भाई साहब ये चिड़िया की जरूरत कब से पड़ गई? अबे एक सेकंड, सबसे पहले मैं चिड़िया नहीं हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर काम के भी तो नहीं हो ना आप। अबे यार गाइस ये तो मेरी ज्यादा बेइज्जती करने लग गए। अबे यार हम तो बेइज्जती करने लग गए गाइस, क्या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लग गए? भाई साहब पुरु गेमिंग ऑफिशियल आईडी है भाई साहब, जल्दी से जाकर फॉलो मारो, वहाँ पे आपको नई नई वीडियोस मिलती है कलुए की और मेरी भी। और हाँ यार अगर किस्मत सही हुई तो मैं भी कभी कभी आऊंगा वीडियो में। बिल्कुल यार गाइस, बट यहाँ पर यूट्यूब में आपको बहुत पका देता है भाई, इंस्टाग्राम पे ही पकाता रहेगा। अबे जाओ यार गाइस यहाँ पर नहीं पकाते हुए, फॉलो करो भाई को। और भाई साहब ये कलुए की ड्राइविंग देखना, अब भी भाई साहब एक गाड़ी के बीच में मारेगा और इसकी सारी हवा निकल जाएगी। देखो मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा, देखना मैं 10 गिनूंगा और भाई साहब ये पक्का टक्कर मारेगा। 1, 2, अबे नहीं मारूंगा भाई मैं। 3 भाई साहब, 4 और 5 और भाई साहब 6, 7 भाई साहब बोला था ना। अबे यार तूने मेरे को कंफ्यूज किया है। अरे मान लो फ्रैंकलिन भी आपकी ड्राइविंग ही टट्टी है। अबे यार मन तो करता भाई इनके सर पे कुछ मारूं, पर भाई साहब तू कैसे ही मारेगा कलुए? मैंने तो गाइस कहा था भाई मैं कलुए को जानता हूँ अच्छे से, देखना अब मैं 5 गिनूंगा, 5 गिनते मार देगा। 1, 2 मैं भाई साहब कलुए मैं तेरे को कितना जानता हूँ मैं। गाइस यार मेरे को इस पे गुस्सा आ रही है भाई, मैं तेरे को यहीं पे फेंक दूंगा बता रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया यार ये आप पुलिस स्टेशन चले हो या फिर यार शहर छोड़कर चले हो, कहाँ चले हो? अबे हाँ यार गाइस हम लोग तो पुलिस स्टेशन चले हैं, तो लेट्स गो जल्दी से चलते हैं भाई, इतना दूर नहीं है वो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पुलिस को आपको पकड़ने आना चाहिए यार, आप क्यों उनके पास जा रहे हो यार खुद ब खुद? अबे मैं भाई साहब काम के लिए जा रहा हूँ गाइस, जिसको कि समझाओ यार। अबे भाई साहब समझ गए कलुए, फिक्र मत कर। अबे आ गए भाई साहब पुलिस स्टेशन आ गए भी। अरे यार फ्रैंकलिन भी आप जा तो रहे हो, बस यार मुझे ये फिक्र है कि आपको छूट पटांग मत बोल देना यार, पता लगे जेल में सड़ रहे हैं हम। मैं कुछ नहीं करता भाई, तू अपनी बोलती बंद रखेगा। मैं कलुए भाई साहब मैं भी आता हूँ। आ जा भाई साहब, बाकी पता नहीं पुलिस स्टेशन में कुत्ते अलाउड है या फिर नहीं। अबे भाई साहब ऐसे कैसे अलाउड नहीं, अबे ये सब कुछ अपना चलता है यहाँ पे, फिक्र नहीं करनी। अबे आ जा भाई। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलो मैं आपके पीछे आ रहा हूँ यार, हम मुझे तो थोड़ा सा डर सा लगता है, तो यार पीछे आना बेस्ट है। अबे हमको बुलाया गया, हम क्यों डरे? ओ भाई साहब यहाँ पर गाइस हम आ चुके हैं। अरे फ्रैंकलिन, अरे हेलो सर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया सर, आपने कॉल किया था, आपने किया था क्या? अरे आते होंगे सर जिन्होंने आपको कॉल किया था, आप बस 2 मिनट के लिए बैठो। कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, 2 मिनट के लिए बैठना है बस।
और भाई सब रहने दे भाई, कलुए खड़ा रहे यहाँ पे। अबे यार गाइस चलो तब तक स्प्राइट पीते हैं जब तक यहाँ पर सर आ रहे हैं भाई। $1 की गाइस यहाँ पर स्प्राइट पीता हूँ भाई, सब मजा आ जाएगा। एंड ये रहा गाइस कैन, आप लोग पीते हो या फिर नहीं कमेंट में बताओ भाई, मजा आता है। आह गर्मियों का मौसम आ चुका है अब तो गाइस, ये भाई सब 10-10 पिया करूंगा एक दिन में, बेस्ट है भाई सब, मजा ही मजा आएगा। अरे फाइनली फ्रैंकलिन कैसे हो आप? अरे बड़ी बढ़िया सर, आप बताओ आप बताओ। अरे आपको परेशान तो नहीं किया हमने कॉल करके? अरे नहीं सर, परेशानी वाली क्या बात है, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ पुलिस की हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, तुम स्टार्टिंग से ऐसे हो। अरे यार फ्रैंकलिन भाई, क्या आप सर को वो नहीं बताओगे जो आपने नुक्कड़ पे एक अंकल मारा था? अबे चिंचड़ा अपनी बोलती बंद करेगा तुम मेरे लिए? अबे भाई साहब क्या मुंह पे चबड़ चबड़ कर रहे हैं, सीधा मुंह पे आकर बोल क्या बोल रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों क्या तुम लोग 2 मिनट चुप रह सकते हो या फिर मैं भाई साहब यहाँ पर तुम दोनों को बाहर निकालूं यहाँ से? अरे अरे वो मैं भूल गया था यार, आप जरूरी काम कर रहे हो, करो करो। अरे सर माफी माफ कीजिएगा भाई, ये थोड़े से नादान है। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने आपको इसीलिए बुलाया फ्रैंकलिन क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गैंग को डाउन करना है आज, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे पुलिस वालों के साथ जाइए और उस गैंग को डाउन करने में हमारी मदद कीजिए। गैंग को डाउन करना है? हाँ एक्चुअली हमें एक गैंग का बेस पता लग चुका है जिन्होंने लॉस एंजेलिस में बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं, और आज हम अपनी फौज को वहां पर भेजने वाले हैं, बट उनको एक अच्छा फाइटर चाहिए होगा अपने साथ, बिकॉज आई नो तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है ऐसी गैंग्स को खत्म करने पे, तो आई थिंक आप हमारी आज भी मदद कर सकते हो फ्रैंकलिन। अरे क्यों नहीं सर, जरूर। तो आप फ्रैंकलिन हमारे बाकी ऑफिसर वहां पर पहुंचते होंगे, 10 मिनट लगेंगे, बाहर तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी है, तुम अपनी गाड़ी में बैठो एंड उस गाड़ी में बैठकर आराम से लोकेशन पर पहुंचो, हमारे बाकी ऑफिसर भी वहां पर आ जाएंगे एंड आई होप उस गैंग को डाउन करने में तुम हमारे अच्छे से मदद कर दोगे फ्रैंकलिन। अरे सर नेकी और पूछ। और भाई साहब तेरी पूछ कोई नहीं कर रहा है, तेरे को काम भाई साहब, तेरे से काम है इसलिए तेरे को बुला रहे हैं, कलू है भाई साहब समझा कर। अबे भाई ये बातें हम शायद बाहर जाकर भी कर सकते हैं, आ जाओ। अरे सर ठीक है गाड़ी बाहर है? हाँ वो हमारे ऑफिसर्स आपको बता देंगे। थैंक यू सर, अभी आ जाओ बाहर यार। अरे यार फ्रैंकलिन भाई मेरी कोई गलती नहीं है यार, जो बोल रहा था चुप बोल रहा था यार। अबे चुप, तू पागल है क्या भाई, मेरे को अंतर करवाएगा तो बाहर भी कौन सा, तू बहुत अच्छे काम कर रहा है बे कलुए। अबे यार गाइस इसका कुछ नहीं बनेगा, और गाइस यहाँ पर हमारे लिए गाइस पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है बाहर कह रहे हैं ये। अरे इस साइड सर, इस साइड। किस साइड? और भाई साहब पीछे। ओके तो यार गाइस यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी आई है फाइनली गाइस, बैठिए सर हम आपको लेकर चलते हैं। भाई साहब चलो चलो बे, मैं तो वैसे भी बोर हो रहा हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैंने सोचा नहीं था यार कि जब भी मैं पुलिस की गाड़ी में बैठूंगा इस तरीके से बैठूंगा। अरे यार मुझे तो लगा था हम सीधा जेल जाएंगे, पर हम तो यार काम करने जा रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन आपने बहुत अच्छे काम किए हैं लॉस सैंटोस के लिए, आपने बहुत बार हमारी हेल्प की है एंड आई होप आप इस बार भी हमारी फुल मदद करेंगे इस चीज में। अरे यार सर आप फिक्र मत कीजिए यार, जब जब बात आती है गैंग्स को डाउन करने की, किसी भी बुरे आदमी को भाई साहब यहाँ पर धूल चटाने की, तो भाई साहब कलवा सबसे लास्ट में आता है। बिल्कुल यार गाइस यहाँ पर एक सेकंड क्या? ओ भाई साहब मतलब हाँ तू सबसे पहले आता है? हाँ सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आता हूँ, तो ऑब्वियसली यार सर यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आपकी मदद करते हुए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया खुशी अपनी बाद में जाहिर कर लेना यार, सबसे पहले काम करो, नहीं तो वो ना हो जाए जाना कारों में और आना अखबारों में। अबे ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, तू चुप कर जा यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया देखो यार मैं तो आपके पीछे खड़ा होकर देखूंगा यार, मैं बिल्कुल फाइट नहीं लेने वाला, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पे। अरे आप फिक्र मत कीजिए फ्रैंकलिन, हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स आपके साथ होंगे, आपके पीछे ही होंगे, आपको बैक सपोर्ट फुल मिलेगी। एक सेकंड क्या बैक सपोर्ट मिलेगी, मतलब मैं आगे होकर काम कमांड दूंगा? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि आप आगे होकर कमांड देंगे। भाई साहब इसके कहने का मतलब है सबसे पहली गोली तू खाएगा बे, ऐसे बता। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप तो गए काम से। अबे चलो चलो गाइस यहाँ पर वैसे भी तो मैं हमेशा अकेले लड़ता हूँ, इस बार तो पीछे गाइस हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होने वाली यार, तुम लोग फिक्र मत करो। अबे भाई साहब तेरे को ढक्कन बनाया जा रहा है कलवे, और तू बन रहा है। अबे चुप भाई साहब, भूल मत हम पुलिस वाले की गाड़ी में बैठे सर। अबे भाई साहब क्या फुसफुस कर रहे हैं, मुंह पे बोल तू डरता बहुत है। अबे गाइस ये डरता ही बहुत है भाई साहब, इसको बोलो कि डरना बंद करे भाई, कायरों जैसे डरता है भाई साहब। अबे मैं कायर नहीं हूँ। तो भाई साहब मैं भी कोई शायर नहीं हूँ, जो बैठा है पुलिस की गाड़ी में और भाई साहब गाड़ी सीधा हाईवे पे जाती है। अरे वाह 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 वाह, जो बैठा है भाई साहब पुलिस की कार के ऊपर और गाड़ी सीधा हाईवे पे जाती है, जब भी बात होती है भाई साहब लड़ने की तो कलुए की टट्टी भेले निकल जाती है। अरे फ्रैंकलिन भैया यार जोक तो अच्छा मारा यार इसने। अब भाई साहब मार डालूंगा सच में बता रहा हूँ। और भाई साहब गाइस कैसा था मेरा शायरी? भाई साहब मैं मेरा मन कर रहा है भाई इसके पेड़ मारू मुंह पे। अरे भाई साहब अब तो कलवे तुझे उल्लू बना दिया गया। अरे देखिए फ्रैंकलिन अगर आप चाहते हैं तो आप अभी भी इस ऑपरेशन को बंद करवा सकते हैं। अबे नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। अबे यार मैं तो इनको घर जाकर बताता हूँ, फिक्र मत करो सर यहाँ पर मैं संभाल लूंगा इस चीज को बहुत ही आराम से। अबे भाई साहब देखते हैं कलवे क्या होता है। भाई साहब मेरे को तो पहले बुरी सुगंध आ रही है यहाँ से। बस गाइस यहाँ पर पहुंच जाए उसके बाद इनकी बोलती मैं बंद करवाता हूँ।
अरे क्या कोई मेरे को बताएगा हम कब पहुंचने वाले हैं? अरे थक गया यार, बैठा बैठा यार फेंक दिया। अरे बस एक्चुअली हम पहुंचने वाले हैं। अबे भाई साहब गाइस, यहाँ पर हम पता नहीं कहाँ गए। अरे भाई साहब कलुए यार, ये तो भाई साहब जगह ही बहुत मुश्किल वाली है भाई, यहाँ पर बंदा गिर के मर जाए। अबे नहीं भाई, गिर के थोड़ी मरेंगे यार चोप। अरे एक्चुअली हाँ, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, पर क्या करें, इन्होंने बेस ही बड़ी तगड़ी जगह में रखा है। बट कोई बात नहीं, आई होप हम इनको हैंडल कर लेंगे। बाकी टीम भी पहुंच चुकी है। अबे भाई साहब फिर तो गाइस ठीक है, बाकी पुलिस वालों की टीम भी पहुंच चुकी है, मतलब कैसे हमें दिक्कत कोई नहीं आएगी। अरे वो तो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा फ्रैंकलिन भैया। अबे शिनचैन अब तो चुप कर जा भाई साहब, यहाँ पर अब बकवास मत कर बस। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं बकवास करूंगा भी क्यों यार, मुझे तो फ्यूचर पता है क्या होने वाला है। क्या पता है तेरे को, बस चुप रहे ठीक है ना भाई, तुझे दिख नहीं रहा कि हम किस गाड़ी में बैठे हैं? अबे भाई साहब पुलिस वालों की गाड़ियां दिख रही है मेरे को। अरे यहाँ एक्चुअली सारी टीम पहुंच चुकी है एंड हम भी शायद यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अरे हाँ बहुत टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे, ये अबेस। अबे भाई साहब यहाँ पे अटैक करना है? अरे हाँ एक्चुअली यहीं पे अटैक करना है, आ जाओ। आप कमांड देंगे फ्रैंकलिन, मैं आगे मतलब आगे होकर। अरे हाँ यहाँ पर जितने भी है गुंडे वांडे सभी खत्म करने हैं हमने, इसके बाद ही लॉस सैंटोस एक अच्छी सिटी बन पाएगी। जैसे आपको पता है ये लोग बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज थे, बहुत सारे मासूमों की जान ली इन्होंने। अबे वो तो भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए। तो क्या मैं अंदर चलूं? अरे हाँ बस लेट्स गो फ्रैंकलिन सर। ओ भाई साहब, अरे फ्रैंकलिन भी आपके पीछे तो पुलिस वालों का पूरा साथ है यार। अबे भाई साहब इतना बड़ा ऑपरेशन मेरे हाथ में है गाइस, आज भाई साहब यहाँ पर कर दिखाऊंगा मैं। बे भाई साहब कल ध्यान रखियो। अबे कोई बात नहीं, तुम लोग बाहर ही खड़ो गाइस, लेट्स गो। मैं गाइस यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, अंदर गाइस देखते हैं कितने बंदे खड़े हैं सबसे पहले। ओके तो गाइस कुछ गुंडे वहां पर खड़े हैं भाई साहब, मुझे दिख रहे हैं भाई साहब। इनके हाथ में गाइस क्या है? इनके हाथ में भाई साहब पिस्टल है भाई। गाइज यहाँ पर इन गुंडों को मारना बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मैं भी तो फ्रैंकलिन हूँ, तो मैं भी गाइज यहाँ पर किसी से कम थोड़ी हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भाई 3 2 1 चलो। अरे सर घुसू के अंदर? अरे यहाँ फ्रैंकलिन आप जैसे दरवाजा खोलेंगे हम फायर शुरू कर देंगे। ओके तो गाइज यहाँ पर 3 2 और ये 1 भाई साहब आ जाओ भाई साहब। ओ भाई साहब गाइज लेट्स गो। ओ भाई गाइज यहाँ पर पुलिस वाले पूरा साथ दे रहे हैं हमारा, एंड यहाँ पर गाइज हम सबको यहाँ पर खत्म कर देंगे खड़े खड़े। ओ भाई साहब गाइस बहुत बचकर करना पड़ेगा गाइस, बहुत ज्यादा बचकर, नहीं तो भाई हम तो गए काम से। एंड लेट्स गो भाई साहब। गाइस यहाँ पर ये सब भी अच्छा लड़ रहे हैं भाई, एंड मेरे को गाइस यहाँ पर इनका पूरा साथ देना है। लेट्स गो। आई थिंक गाइस यहाँ पर पुलिस वालों की मदद करने पर मजा तो कुछ और ही आता है ना। और लेट्स गो। ओ भाई साहब कितने ज्यादा बंदे हैं भाई, और गाइस यहाँ पर मेरी गन इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मेरे पे किसी की गोली तक नहीं आ रही, और यहाँ पर सारा काम तो पुलिस वाले कर रहे हैं भाई। फ्रैंकलिन चलो चलो। मैं भाई साहब वहाँ जा रहा हूँ सर। ओके अब गाइस अभी भी कुछ बंदे रहते हैं आई थिंक। वहाँ पर गाइस कुछ पुलिस वाले लड़ रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर किसे वो देखो वो है गुंडा। लेट्स गो। अब भाई साहब यहाँ पर मेरे को गोली मार रहा है, मेरे कौन गोली मार रहा है भाई साहब ये? ओके तो यहाँ पर गाइस कोई गोली आ रही है मेरी। ओके तो गाइस कुछ लोग छुप छुप कर गोलियां मार रहे हैं। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पर मेरे बाजू में बहुत जोर से गोली लगी है भाई किसी की। अरे क्या चल रहा है पुलिस वाले अंकल? अरे फ्रैंकलिन के शायद गोली वोली लगी है। अरे क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन भैया के बारे में अंकल? हाँ लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? अबे शिनचैन पीछे रहा भाई, तू पास मत आ। अबे भाई साहब तेरी तो। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ यार, फिक्र मत कीजिए। अरे ये बच्चा बीच में आ रहा है, इसके गोली मार दूंगा मैं। भेजे हट बे बच्चे। अरे अंकल नहीं यार, देखो यार फ्रैंकलिन भैया के गोली लगी है यार। अबे तेरे भी लग जाएगी, या मैं जानबूझ कर मार दूंगा इसकी। तो रुक तेरे भेजे हुए अभी देता हूँ। ओ भाई साहब तुम पागल हो क्या सर? अबे शिनचैन बच के। अरे इसको साइड कर। मैं भाई साहब आप मेरे अबे भाई साहब आप शिनचैन को मारोगे? भाई साहब शिनचैन को कुछ नहीं कहना मैं बता रहा हूँ। अरे अगर बीच में आएगा तो गोली वोली लगी जाएगी इसके भी, और जानबूझ कर भी मार दूं तो क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पर 20-30 बंदे मार चुका हूँ, एक आधा और मर जाएगा क्या होगा? आप सर अपने पुलिस वाले को समझा लो यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन यहाँ पर अभी ये लड़ने का टाइम नहीं है, तुम अपना ये फाइट का ध्यान रखो। अबे फाइट का कैसे ध्यान रखूं भाई साहब, यहाँ पर ये मुझे फाइट करने देंगे तब है। शिनचैन को गोली मारने की धमकी मिल रही है मुझे अब। अबे तुझे बुलाया भी किसने था यहाँ पे? भाई साहब तेरा ज्यादा हो रहा है अब। हाँ तू पे आ गया। अबे तेरी ऐसी तैसी, बता भाई साहब क्या दिक्कत है? अबे दिक्कत बताऊं क्या? रुक एक सेकंड तेरे को दिक्कत बताता हूं मैं। मेरे को पता है क्या दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है, ये मेरे को इससे दिक्कत है। अरे फेंक दिया। अबे तेरी भैंस की भाई साहब, तेरी तो शिनचैन के गोली मारता है। मैं भाई साहब मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं भाई साहब गाइस इसकी तो मैं अकेला ही बहुत हूँ भाई, मुझे और कोई नहीं चाहिए भाई साहब यहाँ पे। तुम सबकी ऐसी ऐसी भाई साहब शिनचैन को मारते हो भाई साहब, एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ऊपर से मेरे साथ पंगे। भाई साहब तेरी तो ये ले। अबे शिनचैन ठीक तो है तू? अरे हाँ हाँ यार फेंकली भैया, बस यार गोली छू कर निकली है। अबे तू मेरे साथ चल जल्दी यार, जल्दी मेरे साथ चल भाई साहब, इनकी ऐसी तैसी। अरे फ्रैंकलिन भी आप ठीक तो हो?
अबे मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है या फिर नहीं? अरे फ्रैंकलिन भैया बस यार ये गोली यार छू कर निकल गई, बस थोड़ा दर्द हो रहा है यार अब। अबे तू मेरे साथ चल यार। अरे बहुत खूब फ्रैंकलिन, तुमने पूरा बेस खाली कर दिया। अबे सर आपके ये पुलिस वाले ने भाई साहब सारा कुछ यहाँ पर बेकार कर दिया था। अरे पर तुमने सारा बेस खाली कर दिया, बहुत बढ़िया। पर भाई साहब तुम्हारा एक पुलिस ऑफिसर शिनचैन को गोली मार रहा था, उसने मार भी दी थी। अरे मैं समझ सकता हूँ बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा होगा, तो तुमने उसको मार दिया क्या? हाँ सर, शिनचैन पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, ठीक है ना। चलो आपका काम हो चुका है, अब आपका और मेरा डील खत्म, मैं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी ले जाओ। चुप आ जा। और भाई साहब गाड़ी पे नहीं जाना क्या? नहीं, पैदल जाएंगे हम। भाई साहब क्या बात हो गई? गाइस यार एक तो इनकी मदद करो, ऊपर से भाई साहब यहाँ पर हमें ही गोलियां चला रहे हैं। अरे यार फैकल भाई इतने सारे पुलिस वालों में से एक आधा खराब भी होता है यार, आपको पता ही है। हाँ वो तो बात मैं समझ गया, पर भाई साहब यहाँ पर इन्होंने जो भी किया गाइस यहाँ पर गलत किया भाई। शिनचैन के गोली चलाने वाला भाई थोड़ी मतलब काम करना चाहिए था। चलो भाई कोई बात नहीं गाइस, ये अच्छा शिनचैन बच गया, चलते हैं भाई साहब अब घर। यार हमने गाइस यहाँ पर जो भी मतलब काम पुलिस वालों से पकड़ा था हमने वो कर दिया है, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं भाई। जो गाइस इन्होंने हमारे साथ किया भाई वो बहुत ज्यादा गलत था। आप बताओ कमेंट सेक्शन में पुलिस वालों ने सही किया गलत किया? भाई गलत ही किया यार। अरे यार फैकल भाई फिक्र मत करो यार, वो पुलिस वाला ही खराब था। चलो गाइस एक आधा बीच में होता है, बट कोई बात नहीं गाइस, चलो चलते हैं घर। मैं भाई सब छोड़ दे कलवे यार, गुस्सा ठंडा कर। अबे यार जो भी गाइस यहाँ पर पुलिस वाले ने किया गलत था यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, हमने यहाँ पर इनका काम तो कर दिया पुलिस वालों का। अब गाइस यहाँ पर मैं कपड़े वपड़े बदलता हूँ भाई, पूरे गंदे हो चुके हैं। अरे चलो यार फैकल भैया, कम से कम यार बाकी पुलिस वाले आपसे खुश होंगे यार, जिन सर ने हमें काम दिया था वो भी खुश होंगे हमसे। वो तो सही है गाइज, हमने गाइज यहाँ पर पूरी एक गैंग को गाइज खाली कर दिया, बट फिर भी गाइज ये लोग हमें क्या दे रहे हैं, हमसे लड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं गाइज, जो हुआ सो हुआ। यहाँ पर गाइज हमने लॉस सैंटोस की पुलिस को हमेशा जैसे हेल्प की है, इस बार भी गाइज वैसी हेल्प की है। एंड गाइज यहाँ पर बढ़िया हुआ, मैं कपड़े बदलता हूँ बस। ये हुआ क्या है यहाँ पर? अरे बस बताया तो है, पुलिस वालों ने उस फ्रैंकलिन की मदद लेके हमारे सारे अच्छे अच्छे बंदे मरवा दिए। क्योंकि मुझे पता है ये बात का कि पुलिस अकेले तो ये काम नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत तो नहीं है उनकी कि मेरी गैर हाजिरी में मेरी गैंग के बंदों पे वार। अरे वाह, यहाँ तो पुलिस वाले भी मरे पड़े हैं, मतलब तुमने भी पुलिस वाले मारे हैं, सही है। अरे बस हमने नहीं मारे, ये वो फ्रैंकलिन से मर गया, एक पुलिस वाला कोई भैंस हो गई थी उससे उसके साथ। फ्रैंकलिन अकेला था क्या ये? अरे नहीं नहीं, एक बच्चा और एक कुत्ता उसके साथ था। अरे लॉस सैंटोस में रहता है, अच्छा फाइटर है, गन भी अच्छी चला लेता है। तभी पुलिस वालों ने उसकी मदद लेकर हमारी गैंग के अच्छे अच्छे बंदे मरवा दिए बॉस। समझ गया। अरे बॉस आप कहो तो हम उसके घर जाकर गोलियों की बरसात कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बंदे को ना ऐसे मारना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इतने बंदे इसने मार दिए, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे के साथ हमें दिमाग से चलना पड़ेगा। अरे बॉस आप कहना क्या चाहते हो? अरे मेरा मतलब क्या है ना, बस तुम थोड़ी देर में समझ आओगे, बस जो मैं बोलता हूँ वो करना है, ठीक है? अरे ओके बॉस डन है, बताओ क्या करना है हमें? तो सुनो क्या करना है तुम दोनों को। अबे शिनचैन अब कैसा फील हो रहा है बे? अरे फैकल भैया पहले से बेहतर हो रहा है फील। ओके तो यार गाइस यहाँ पर मैंने शिनचैन के पैर में भी पट्टी करवा दी है, और मैंने भी गाइस यहाँ पर कुछ दवाइयां ले ली, और भाई साहब अपने भी पट्टियां करवा ली हैं भाई। बहुत तगड़ी फाइट थी गाइस यहाँ पर, पुलिस वालों की फुल हेल्प की, बट भाई साहब चलो कोई बात नहीं गाइस, आप बिल्कुल सही है यार, शिनचैन सही है गाइस यहाँ पर, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है। अरे फैकल भी आप 100 गोलियां खाने के बाद जिंदा हो यार, मैं एक के बाद नहीं हो सकता क्या? अबे और क्या गाइस, आखिरकार भाई भी तो किसका यार, भाई भी तो फ्रैंकलिन का यार, तो ऐसे इसको कुछ नहीं होने वाला। मैं भाई साहब गाइस दोनों तो भाई साहब यहाँ पर पट्टियां करवाने भाग गए, पर मेरे को तो देखो भाई साहब मैं तो बिल्कुल जिंदा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भाई साहब मेरे से ऊपर कोई नहीं है ना, मैं भाई साहब लेवल ही बहुत तगड़ा है मेरा, भाई साहब चॉप द डॉग हूं मैं। ऐसे तो भाई साहब चॉप द डॉग के साथ ही कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है भाई साहब एक दांत मारूंगा भाई साहब तेरे इतने टीके लगे, इतने ज्यादा इंजेक्शन लगे कि भाई साहब तुझे याद रहेगा। ओए भाई साहब तुम लोग कौन हो बे, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चलो यार फ्रैंकल भैया पैर लात भी ठीक लग रही है अब, और यार आप भी ठीक लग रहे हो, अब मजा है। बिल्कुल यार गाइज आज का दिन सच में बहुत ही ज्यादा फिक्रों के साथ भरा था, बट फाइनली गाइज यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, आप गाइज यहाँ पर शांति से बैठेंगे। ओ भाई साहब वो क्या है? अरे फ्रैंकलिन भैया गुड़िया। अबे गुड़िया थोड़ी है भाई, ये क्या चीज है गाइज? अबे किसी को पेड़ के साथ टांगा पड़ा है भाई साहब, एक शक्ल तो ओ माय गॉड जिंदा लग रही है भाई। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हमारे घर के बाहर यार किसी ने ये क्या किया है? एक सेकंड क्या चल रहा है भाई? ओ भाई साहब चौप बाहर देखा क्या तूने, क्या चल रहा है? चौप ओ तेरी की चौप। अरे चौप को क्या हुआ फैकल भैया? ओ चौप चौप एक सेकंड ओ भाई साहब चाकू, गाइस चौप के चाकू मारा भाई साहब किसी ने। ओ चौप भाई साहब ठीक तो है, अबे कौन है भाई साहब यहाँ पर, इसकी ऐसी तैसी। ओ नो अरे फैकल भैया यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अबे भाई साहब गाइस हमारे बाद हमारे घर पे आया कौन था तेरी की ऐसी तैसी, ओ भाई साहब ये क्या हो रखा है? ओ नो 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 सब गाइस नहीं 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 भाई गाइस यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा, चौप के लिए एम्बुलेंस को कॉल करना है, चौप के लिए एम्बुलेंस को कॉल करना है गाइस, यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा भाई, चौप को जैसे मर्जी अगर ठीक करवाना है
एक सेकंड, ये क्या है? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या भूत है? एक सेकंड गाइस, इसके अंदर लाइट कौन सी चल रही है ये? और भाई साहब पीछे ये क्या है? गाइस कौन आया था हमारे घर पे? भाई ये क्या कर रखा है भाई साहब? अबे गाइस यहाँ पर चोप 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 है शिनचैन। अरे फ्रैंक भैया चोप को ठीक करो यार। अबे हाँ यार गाइस, यहाँ पर मैंने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल। चोप चोप कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया चोप कहाँ गया? गाइस यहाँ पर चाकू पड़ा है बस। अरे यार चोप तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता यार। कोई है यहाँ पर? कौन है भाई साहब यहाँ पर? कौन है भाई इसकी ऐसी तैसी? गाइस कोई है भाई साहब? कौन उठाकर लेकर गया चोप को? चोप अभी यहाँ पर था, एम्बुलेंस आ रही है भाई साहब। कौन उठाकर लेकर गया चोप को भाई साहब बाहर? अबे अरे फ्रैंकलिन भैया कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? अबे मजाक तो क्यों करेगा अबे भाई साहब, एक ये कौन है? फ्रैंकलिन भाई साहब तुम कौन हो? थोड़ी देर पहले ना तूने किसी के बेस में अटैक किया है और उस गैंग का मालिक हूँ मैं। भाई साहब तुमने चोप को मारा? एक सेकंड फ्रैंकलिन, अगर मैंने मारा होता सोच कर देख तो मैं तेरे पास आता। भाई साहब तूने चोप को मारा है भाई, चोप के चाकू मारा है। चोप कहाँ है चोप? फ्रैंकलिन गोली नीचे कर, मैं बताता हूँ तेरे को सारी बात। क्या बताएगा भाई साहब तू मेरे को? अरे चोप के चाकू मारा है तुमने और चोप को गायब कर दिया है। फ्रैंकलिन लिसन, मैं सुनना नहीं वाला भाई साहब, मैं तेरे को मार डालूंगा, सच में बता रहा हूँ मैं तेरे को मार डालूंगा भाई साहब, तू यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए इस वक्त। लिसन फ्रैंकलिन लिसन, मैंने चोप को नहीं मारा। भाई साहब अच्छा मजाक है, मैंने खुद चाकू लगा देखा है उसके और उसको गायब होते देखा है वहां से। देख मुझे पता है किसने किया है, बट अगर तू थोड़ा सा शांत होगा तो मैं बताऊंगा। किसने किया है? पुलिस वालों ने किया है। क्या बकवास है? फ्रैंकलिन तू मेरे बंदे मार लेगा, मेरे पास बंदे बहुत हैं, पर तुमने आज शायद एक पुलिस वाले से पंगा ले लिया है, तो पुलिस वालों ने तेरे साथ ये किया है। तूने एक पुलिस वाला मारा, उसके बदले तेरा कुत्ता गया। अबे उसको कुत्ता मत बोल। देख मैं तो बताने आया था, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे गैंग वाले मरते रहते हैं, पर तेरे साथ बुरा हुआ ना, पुलिस वालों के साथ मिलकर तुमने जो काम किया है, मतलब पुलिस वालों की तुमने मदद की है, और पुलिस वालों ने तेरा क्या हाल किया है तू देख। ऐसो की मदद करता है तू, मैं होता तेरी जगह तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में जाकर एक एक को मार देता। चल बाकी तेरी मर्जी है, मुझे क्या। मैं भाई साहब गाइस, अरे फ्रैंकलिन उसको जाने मत दो यार। अबे यार गाइस, अरे फ्रैंकलिन शांत यार। क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन सोचने का टाइम लो, क्या पता मैं झूठ कह रहा हूँ। मैंने पुलिस वाले को मारा था, उन्होंने बदला लिया मेरे से। अरे फ्रैंकलिन होश में आओ, अरे फ्रैंकलिन होश में आओ, क्या कर रहे हो? मैं पूरी लॉस सैंटोस तबाह कर दूंगा भाई साहब। कौन आएगा बताओ मुझे रोकने? भाई साहब मैं पूरी लॉस सैंटोस तबाह कर दूंगा, मेरा चोप मुझे दो नहीं तो भाई साहब आग लगा दूंगा सबको। गाइस पुलिस भी आ जाएगी, उसको भी मार डालूंगा, कोई मेरे सामने नहीं आना चाहिए इस वक्त भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन होश में आओ यार, होश में आओ। मुझे होश में आने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, मेरे चोप को मारोगे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। भाई साहब मेरे से बदला लोगे तुम्हारी तो सबको मार डालूंगा भाई साहब। कौन आएगा? अरे फ्रैंकलिन भैया यार मत करो यार, ये मत करो। अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन बच के। किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, तुम सबकी ऐसी तैसी। भाई साहब मेरे सामने मत आ जाना, मैं मार डालूंगा, कह रहा हूँ भाई साहब मेरे सामने कोई नहीं आएगा। तुम सबकी तो ये लो, अकेले को तबाह कर दूंगा यहाँ पे मैं। आ जाओ तुम ये ले भाई साहब, तुम सबकी मैं मदद करूँ और तुम सब मेरे साथ ये करोगे भाई साहब। तुम्हें क्या लगता है तुम सब ऐसे भाग जाओगे, ये सब कर भाग जाओगे तो क्या तुम सब? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा भाई, जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। अरे यार गाइस फ्रैंकलिन भैया को समझाओ यार, अरे फ्रैंकलिन भैया को समझाओ यार कमेंट सेक्शन में। गाइस यार फ्रैंकलिन भैया सब कुछ तबाह कर देंगे, फ्रैंकलिन भैया सब कुछ तबाह कर देंगे। गाइस फ्रैंकलिन भैया को समझाओ, आज लॉस सैंटोस की ऐसी तैसी कर देंगे, नहीं तो फ्रैंकलिन भैया यार। गाइस कुछ समझाओ यार कमेंट सेक्शन में।